गाइस व्हाट्स अप, नमस्ते, क्या हाल है दोस्तों। और आप देख रहे हैं फिर से गौरव यादव को। तो गाइस आज की वीडियो भी वैसी होने वाली है जो शायद आपने मेरे चैनल पे पहले तो देखी होगी, लेकिन हम फिर से रिपीट करने वाले हैं जब तक हमारे न्यूज़ टेस्ट नहीं आते हैं। और आप लोगों को मज़े दिलाता रहूँगा, भले ही मेरी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब रहे, आप लोगों के लिए मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो गाइस प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, एंड यस अपना बेस्ट पार्ट ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना। तो मेरी जगेश फैमिली से ये रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को प्लीज़ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं लेके आया हूँ कटोरी, एंड कटोरी को हम फोड़ने वाले पंप से। तो जगेश फैमिली हमारे पास है ये वाला कटोरा, एंड इसके साथ में ये बड़ा वाला चॉकलेट या बम इसके नीचे रख दूंगा जला के। लेट्स सी कटोरा कितनी ऊपर जाता है। आप लोग क्या लगता है कटोरा ऊपर जाएगा नहीं, नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। लेट्स डू दिस, 3 2 1। कटोरा भाई साहब जल गए, देखा तूने, अभी दिखाया ना, हटेगा तो नहीं गई। ओ भाई देखो। तो गाइज ये है अपने कटोरी की हालत, ये देखो बीच में ऑलमोस्ट छेद हो रहा था, अगर थोड़ी देर और फॉइल बम लेते हैं ना गाइज। ये फॉइल बम मरकरी ब्रांड का ये वाला, इसका साउंड भी काफी अच्छा होता है। लेट्स डू दिस गाइस, ये वाला बम हमने नीचे रख लिया, एंड लेट्स डू दिस गाइस। कटोरी ऊपर जाएगी कि नहीं, 3 2 1। कटोरी देख, कल तक वेट कर। भाई मज़ा आ गया, कटोरी की हाइट पे गई है, बोले तो झकेस में चाबी तो नहीं है कटोरी की। काफ़ी अमेजिंग था यार, इतनी हाइट पे कटोरी गई, मज़ा आ गया। बीच में मुझे लगा था कि भुज गया, लेकिन जब कटोरी ऊपर तक गई है ऑसम मज़ा आ गया। नेक्स्ट बड़ी चॉकलेट हम लेने वाले हैं, दो एक साथ मैं ट्राई करूँगा। लेट्स सी ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं, कमेंट करके बताओ क्या होगा, क्या इस बार भी कटोरी हम ऊपर जाएगी या नहीं। फर्स्ट हमने ट्राई करा था तो पुष्टि हो गया था, लेट्स सी इस बार क्या होता है। 3 2 Run. नेक्स्ट जैकेस फैमिली ये वाला बम जो मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा साउंड होता है इसका। हाइड्रो बम या सूतली बम कुछ भी कह लो, बहुत खतरनाक बम है। इसके साथ कटोरी की अभी हालत ये है, लेट्स सी कटोरी हमारी कैसी होती है एंड तक, एंड रिजल्ट देखना चाहता हूँ कटोरी की हम कैसी हालत करेंगे। लेट्स डू दिस। ठीक है भाई, रेडी सोसाइटी लोग, ठीक है सोसाइटी लोग अपने कान बंद कर लो बढ़िया से। 3 2 1। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला बम है, फॉइल बम, ये भी काफ़ी ऑसम साउंड करता है। पिछली बार यार क्या हुआ था, देखने के चक्कर में वो बम मैं ऊपर रख नहीं पाया, लेकिन मज़ा आया, साउंड भी ठीक ठाक था, लेकिन इसका साउंड बहुत अमेजिंग होगा, ये चेक करना। ठीक है, इस बार मैं पूरे अच्छे से कोशिश करूँगा, रख दूँ। 3 2 1। तो गाइस हमारी कटोरी मिल गई है, ये शायद गरम भी हो सकता है, देखो थोड़ी सी बुझा देते हैं वैसे। तो गाइस नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं भयंकर रावण बम, जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही ऑसम होता है, अगर कभी कभी फुस्सी भी निकल जाता है बाय चांस। ठीक है, इसको चलाते हैं, लेट्स सी इस बार ये कितनी ऊपर जाता है। अभी तक तो जो अभी अपनी लास्ट देखा सबसे हाईएस्ट वही गया है, यहाँ से थोड़ी सी चिंगारियाँ लग गई हैं, मतलब अनार से हम लास्ट में इसको जला देंगे। लेट्स डू दिस। 3 2 1।
भी काफी अच्छी हाइट पे गई है। तो गाइज नेक्स्ट हमने ले लिया है ये अनार, उसके ऊपर रखेंगे कटोरी इस ईंट की मदद से। ऐसे देखते हैं कटोरी में छेद होता है कि नहीं, कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या लगता है। लेट्स सी गाइज कटोरी में छेद होता है कि नहीं। होने वाला अनार फट भी सकता है, इसलिए मैं पास नहीं जाऊंगा। मैंने हमेशा आपको बताया कि अनार जब भी जलाओ तो उसके जलने के थोड़ी देर बाद ही जाओ, और कटोरी में आग लग चुकी है, देखते हैं कब बुझती है। अब अनार सेफ है, अब नहीं फटेगा। तो गाइस कटोरी के ऊपर देख सकते हो पूरी तरीके से छेद हो गया है, दिखा ऊपर दिखा। तो गाइस ये देखो कटोरी में छेद हो गया, और ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया। ये देखो अनार की हालत एंड कटोरी, देखो बहुत गर्म हो गया है। अनार या किसी भी पटाखों से आप लोग मजाक ना करें, अनार हाथ में काफ़ी लोग जलाते हैं। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, जब भी मैं अनार जलाता हूँ कभी भी हाथ में अनार नहीं जलाओ, कोई भी पटाखे हाथ में मत जलाओ, कुछ भी मजाक मत करना। छोटे बच्चे जलाते तो आप बड़ों के साथ जलाना प्लीज़, ये मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है। बहुत जल्दी न्यू स्टेज में लेके आऊँगा। तो गाइस इस बार कटोरी में सीधी रखूँगा एंड होपफुली दोनों में आग लग जाए एक साथ, एंड ऐसे मैं रख दूंगा। लेट्स सी क्या होता है। थ्री अगर एक मिनट लेट्स सी दोनों में आग लगती है नहीं, कटोरी देखते हैं क्या होता है कटोरी में। और अनार तो पुसी है वो भाई, फट भी सकता है। तो गाइज इस पतंग में हमने लगा लिया है रावण बम, एंड इस पतंग को हम उड़ाएंगे फिर हवा में, इस बम को फोड़ेंगे। लेट्स सी सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं। एक ही अटेम्प्ट है, कोई सेकेंड अटेम्प्ट नहीं। 3, 2, 1 पतंग उड़ाने वाले की फट गई थी। सो गाइस इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने वो सारे क्रैकर्स का मसाला इसमें निकाल लिया था, तो हम ये जलाने वाले हैं। अभी देखते क्या होगा इसके साथ। वाह प्लास्टिक जल दिया वो। तो गाइस जब तक वो वहाँ कमाल करता है, मैं यहाँ पे रॉकेट लेके चिंगारी निकल रही है। गाइस चिंगारी ही चिंगारी। अच्छा वो भी थे क्या सिग्नल रॉकेट? गो अब देखो लेटा के 3, 2, 1 भागना। 3, 2, 1 गो। सामने जाएगा या पीछे आएगा कमेंट कर। क्या गया है, awesome। तो आई होप गाइज आपको वीडियो देख के मजे आए हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत जल्दी मैं न्यू स्टाइल लेके आऊँगा, मेरा प्रॉमिस एंड यस यार मैं आपको फ्री याद दिला रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे जाओ फॉलो करो प्लीज़, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो हमारी लास्ट आईडी थी वो डिसेबल हो गई थी, 2000 फॉलोअर्स करवाओ दिवाली से पहले तो मैं बढ़िया सा गिव अवे करूंगा, आपको याद दिला रहा हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और स्माइल करते रहें। कमेंट बॉक्स में मुझे आइडियाज़ देते रहना कि आपको और क्रैकर्स के साथ किस तरीके की वीडियोज़ देखनी है। लव यू गाइस।